है 42 हॉर्स पावर एट 10,750 आरपीएम पर। तो भाई एक साइड है हमारे पास स्प्रिंगर 300 जो कि हमें देती है 39 हॉर्स पावर एट 11,000 आरपीएम। तो भाई ये खड़ी हमारी दोनों बाइक्स जो कि है पहली यामा R3 और दूसरी पीछे आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं, कावासाकी निंजा 300। भाई फैन फॉलोइंग की बात अगर करी जाए ना तो दोनों बाइकों की बहुत तगड़ी है, और अगर लुक्स की बात करी जाए तो भाई R3 जो है हमें आगे से डॉल्फिन जैसा लुक देती है, और बात करी जाए अगर निंजा की तो ये भी कुछ डॉल्फिन जैसा ही लुक देती है। और दोनों गाड़ी जो है इनलाइन ट्विन सिलेंडर में आती है, 300cc के इनके अंदर इंजन मिलते हैं। तो भाई आप एक बार इनके एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, पहले सुनते हैं हम R3 का एग्जॉस्ट जो कि R3 में लियो विंस है जो कि कैटलेटिक के साथ फिट है, ये इसका कैटलेटिक है, ये मैंने ही बनाया है। तो भाई R3 का एग्जॉस्ट हम लोगों ने सुन लिया है, अब सुनते हैं हम निंजा का कि निंजा के एग्जॉस्ट की कैसी साउंड है। वैसे तो ये स्टॉक एग्जॉस्ट है मगर भाई स्टॉक में भी ना ये तबाही है, तबाही। तो भाई अब बात करते हैं सस्पेंशन की दोनों बाइक्स में, जो कि पीछे हमें मोनोशॉक दोनों में मिलता है, बट आगे ना भाई कंपनी को ना इनमें USD देनी चाहिए, क्योंकि USD फॉक्स ना तो इसमें निंजा में है ना R3 में आपको USD फॉक्स मिलेंगे। मतलब इतनी महंगी बाइक होने के बाद और ये शॉकर दे रहे कंपनी, भाई इस चीज़ में तो कम से कम अपडेट होना चाहिए, ये तो इन दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स है। जबकि KTM में भी हमें USD मिलते हैं। बाकी अब बात करते हैं इनके टायर, तो भाई अगर टायर की बात करें तो दोनों बाइक्स में 17 इंच के एलोय आते हैं, और निंजा में अगर बात करी जाए तो आगे 180 का टायर आता है। और तो भाई अगर पिछले टायर की बात की जाए, फिलहाल हमारी गाड़ी में KTM का टायर है MRF Rebs जो कि 150/60/R70 है, बट इसमें 140/60/R70 आता है। भाई एक ये भी चीज़ है जो कि R3 अच्छी है इसके मुकाबले, क्योंकि R3 में जो हमें टायर मिलते हैं वो आगे 110/80 मिलता है, बट पीछे जो हमें मिलता है ना वो 150/160 मिलता है। फिलहाल तो हमारी गाड़ी में 180 टायर डला है। बाकी अगर इस चीज़ की बात करी जाए तो भाई टायर सेशन में R3 जीतती है निंजा से। अगर हम बात करते हैं हैंडलिंग की निंजा 300 में, तो भाई कंपेयर टू R3 मतलब R3 की हैंडलिंग इससे बहुत 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 बेटर है। और ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ब्रेकिंग भी R3 की बहुत बेटर है इससे। भाई अगर हम बात करते हैं हैंडलिंग और ब्रेकिंग की R3 में, तो ये मेरे को निंजा से ज़्यादा कंफर्टेबल हैंडलिंग भी लग रही है, और बात की जाए ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग में भी बहुत फर्क है, इससे बहुत बेटर है। भाई अब आते हैं हम दोबारा से लुक्स पे एक बार, जो कि मैंने बता ही दिया पहले ही आपको कि दोनों ही बाइक्स आगे से डॉल्फिन जैसा लुक करती है। मैं आपको चारों साइड से एक बार इसका लुक दिखाता हूँ। पीछे से तो मोटर जीपी वाली फीलिंग आती है इनको देख के, चारों साइड से आप लुक देख सकते हैं। इसमें मैग्नेट टेल टाइडी लगी है। भाई ये रही हमारी निंजा 300, इसका भी लुक आगे से कुछ डॉल्फिन जैसा आता है, और ग्रीन कलर में भी, ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा मिलती है आपको। और पीछे फिलहाल इसमें टेल लगी है, अभी टेल रिमूव नहीं हुई है, टेल टाइट इसमें भी लगेगी थोड़े टाइम में। तो भाई आपने कंपैरिजन वीडियो देख ली, और इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। और अगर भाई मेरा पर्सनल रिव्यू लो ना कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो भाई आप बेफिक्र होकर R3 ले लो, निंजा से अच्छा। बाकी अगर लुक्स की बात की जाए, भाई निंजा है, निंजा की फैन फॉलोइंग है, मुझे बताया कि लोगों को निंजा पसंद है, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो R3 जो है निंजा से काफ़ी अच्छी है, और लुक्स में भी। बाकी आपकी चॉइस है, आप कौन सी बाइक लेना चाहते हो, भाई दोनों बाइक अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर याद से बिना भूले।